तो हाय गाइस, ये फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड फिएस्टा टाइटेनियम मॉडल। इसकी कूलिंग कॉइल लीकेज हो चुकी है, डैशबोर्ड के अंदर आती है। इसका खोलेंगे डैशबोर्ड, एयरबैग भी निकालेंगे स्टीयरिंग के ऊपर का, इधर का भी सब खोल देंगे। डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है आपको बताता हूँ। ये वाले बोल्ट, इसके अंदर एक बोल्ट आता है, और आगे से बताता हूँ। आगे से ये वाले एसी के पाइप जो हमने खोल दिए है, ये वाले दो, और ये वाले हीटिंग कॉइल के पाइप जा रहे हैं डैशबोर्ड में, ये वाले दो पाइप, और वहां पर दो तीन बोल्ट आते हैं अंदर बोल्ट, और वहां से स्ट्रिंग अच्छा निकाल देंगे, और इसके अंदर बोल्ट आता है। सबसे पहले निकालेंगे एयरबैग अभी, ठीक है। ये फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड फिएस्टा टाइटेनियम मॉडल। मीटर वगैरह निकाल दिया है, इधर साइड का पैनल भी निकाल दिया हमने, इधर का कवर भी निकल गया। अब ये एयरबैग निकालेंगे, यहाँ पर लॉक है एयरबैग के। गाइस, सबसे पहले स्ट्रिंग ऐसा फिराने का, फिर उसके नीचे लॉक है, ये वाले लॉक दिख रहे हैं, इसको ऐसे दबा के ये वाला लॉक जो लॉक दिख रहा है इसको निकल चुका है लॉक दबा के। ये वाले जो लॉक आते हैं उसको ऐसा दबाना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग निकल गई है, और ये हेडलाइट का डंडा भी निकाल दिया हमने असेंबली, स्ट्रिंग रख दिया इधर निकालेंगे यहाँ से कॉलम शॉप, और ये बोल्ट इधर बोल्ट, और यहाँ से एक बोल्ट आता है अंदर, ले लेंगे डैशबोर्ड बाहर। डैशबोर्ड बाहर आ चुका है, ये रहा डैशबोर्ड। ये रही कॉइल, कंप्रेसर का ऑयल भी इधर से ही लीकेज था, पूरा गैस भी इधर से ही लीकेज हो रहा था पूरा कवर में। ओके, निकालेंगे बाहर और चेक करेंगे किधर से लीकेज था। चेक करेंगे कॉइल हवा भर के, तो उधर से लीकेज है, ओके। डालेंगे कॉइल नवी, ये साइड से लाएंगे कॉइल नहीं, ठीक है। कॉइल आ चुकी है नहीं, एसी की कूलिंग कॉइल बिठाएंगे डैशबोर्ड में और करेंगे फिटिंग। ये रही कॉइल, तो कॉइल बैठ चुकी है डैशबोर्ड में, अभी डैशबोर्ड करेंगे गाड़ी पे फिटिंग। फिटिंग के बाद बताता हूँ आपको स्टार्ट करके। तो डैशबोर्ड बैठ चुका है, देख सकते हैं आप, बाकी का फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग करके ये आगे की पाइपलाइन बिठाएंगे इधर की, एसी की, और ये फिटिंग कॉइल की, ठीक है। दिखाता हूँ बाकी का फिटिंग होने के बाद, स्टार्ट करके अभी गाड़ी।
गाइस भरेंगे इसी गैस, ये वाला लगा दिए मीटर। जा रहा है गैस, तो हो चुकी है पूरा इसी गैस वगैरह भर के हो गया है। ये दरवाजे वगैरह लगाना बाकी है थोड़ा बहुत, जो एसी का लीकेज का प्रॉब्लम था कूलिंग कॉइल में से, कॉइल तो नहीं डाल दिए, एसी एकदम चिल हो रही है। ठीक है, बताता हूँ आपको, तो लीकेज बंद हो चुका है, एसी भी ठंडी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे न्यू वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी का फिटिंग कर डालेंगे हम। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।